नमस्कार रितम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। बीते 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी मंजूरी देकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और CCIA की बैठक, इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस फैसले से किसानों को काफी राहत दी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ रही कीमतों का खामियाजा भारत के किसानों को नहीं उठाना पड़ेगा और उन्हें खाद रियायती दरों पर भी मिलती रहेंगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर कैरी के आरोप लगाने के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील अनंत बीते गुरुवार को संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कमेटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। वहीं एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कमेटी ने मुझसे कुछ सामान्य सवाल पूछे। भाजपा सांसद ने कहा कि इस मामले को लेकर कमेटी मुझसे ज्यादा चिंतित है। वहीं इस मामले में अब एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को तलब किया है। सीमा पर चीन भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने LAC पर बड़े पैमाने पर कई नई सड़कें, सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग के लिए एयरपोर्ट और कई हेलीपैड बनाए हैं। बीते 23 अक्टूबर को अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत से सटी LAC पर 2022 में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने डोकलाम के पास नई सड़कें, बंकर, पेंगोंग झील के पास एक दूसरा पुल और LAC के पास एक दोहरे उद्देश्य वाला हवाई अड्डा और कई हेलीपैड तैयार किए हैं। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि चीन ने साल 2022 में एक बॉर्डर रेजिमेंट तैनात की है और उसकी मदद के लिए शिनजियांग और तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट 2 डिवीजन की भी तैनाती की गई है। इनके साथ 4 कॉम्बाइंड आर्म ब्रिगेड भी वेस्टर्न सेक्टर LAC पर तैनात किए गए हैं। इसराइल हमास युद्ध के बीच गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के जॉर्डन की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव बीते 27 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट और विरोध में केवल 14 वोट पड़े। वहीं भारत, कनाडा, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 45 देशों ने इस मतदान प्रक्रिया से खुद को बाहर रखा। वहीं इसराइल ने इस प्रस्ताव को हास्यास्पद बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और वह हमास के हमलों को सहता रहे ऐसा नहीं हो सकता। इसराइल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब कोई वैधता या प्रासंगिकता नहीं रखता। अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत से रिश्ते बिगाड़ने पर कनाडा की ट्रूडो सरकार की घरेलू स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक जमकर किरकिरी हुई है। इसी कड़ी में बीते 25 अक्टूबर को कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख और नेता प्रतिपक्ष पियरे का बड़ा बयान सामने आया। नमस्ते रेडियो टोरंटो को एक इंटरव्यू नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें भारत सरकार के साथ अच्छे और प्रोफेशनल रिश्ते रखने की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी असहमति होना और एक दूसरे को जवाबदेही ठहराना ठीक नहीं है, लेकिन हमें एक प्रोफेशनल रिश्ता रखना होगा और जब मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं इस रिश्ते को बहाल करूंगा। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई के बीच बुधवार को NCERT का एक बड़ा कदम सामने आया, जिसके तहत NCERT की किताबों में जल्द ही एक बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल NCERT द्वारा गठित एक समिति किताबों में इंडिया की जगह भारत करने की सिफारिश की थी, जिसे पैनल ने स्वीकार कर लिया है। पैनल के एक सदस्य के अनुसार पैनल के सभी सदस्यों ने इंडिया की जगह पर भारत शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यानी अब NCERT की किताबों में बच्चे इंडिया नहीं बल्कि भारत पढ़ेंगे। बीते सोमवार को भारत ने इसराइल हमास युद्ध के चलते खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी से जूझ रहे फिलिस्तीनियों की मानवीय मदद भेजी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय वायुसेना का C-17 परिवहन विमान करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचा। बता दें कि भारत पहले यह स्पष्ट कर चुका है कि वह आतंकी संगठन हमास के खिलाफ है, साथ ही इसराइल और निर्दोष फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। बीते 27 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने राशन वितरण घोटाला मामले ममता सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को लगभग 18 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मलिक की गिरफ्तारी जांच एजेंसी द्वारा कोलकाता के बाहरी इलाके साल्ट लेक में उनके आवास पर हुई। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने उनके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया। बता दें कि यह घोटाला
सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कोविड लॉकडाउन के दौरान खाद्य वितरण के अनियमितताओं से संबंधित। बीते 27 अक्टूबर को उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि राज्य में अब मस्जिद, दरगाह, मदरसों को भी अपनी आय और संपत्तियों की जानकारी देनी पड़ेगी। राज्य में वक्फ बोर्ड भी अब सूचना के अधिकार कानून RTI के दायरे में आ गया है। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत इस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का नियंत्रण तो है, लेकिन हिसाब किताब पारदर्शी प्रणाली से हमेशा पल्ला झाड़ लिया जाता है। इसके चलते वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन ने लोक सूचना अधिकारियों की तैनाती से परहेज किया जाता रहा। हालांकि अब उत्तराखंड सरकार के इस नए आदेश के बाद ऐसी मनमर्जी नहीं चलेगी। 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के MP MLA कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में 100 वर्ष की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया, जबकि दूसरे दोषी सोनू यादव पर 5 वर्ष की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया। बता दें कि बीते गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख्तार अंसारी और उसके शागिर्द सोनू यादव को दोषी करार दिया था। दरअसल 19 अप्रैल 2009 को हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और 24 नवंबर 2009 मीर हसन अटैक केस में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। बीते 27 अक्टूबर को आई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। कर बोर्ड ने आंकड़े जारी कर बताया कि वर्ष 2013-14 से 21-22 के बीच करदाताओं की संख्या 90% बढ़ी है। आयकर विभाग के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने का आंकड़ा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6.37 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, तो वहीं चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अब तक 7.41 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जिसमें 53 लाख पहली बार दाखिल करने वाले करदाता भी शामिल है। भारतीय बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI का भरोसा लगातार बढ़ा है। बीते 24 अक्टूबर को आई एक खबर के अनुसार अक्टूबर माह में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगभग 5800 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके साथ ही देश के ऋण बाजार में इस वर्ष FPI का निवेश 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। बिकवाली के इस दौर में पहले मार्च से अगस्त तक के 6 महीने विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार पर लगातार भरोसा दिखाते हुए 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया था। भारतीय पैरा एथलीटों ने बीते शनिवार को इतिहास रच दिया जब उन्होंने चीन के हांगझो एशिया पैरा खेल में अपना अभियान 111 पदकों के साथ समाप्त किया, जो किसी भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता में भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। चीन के हांगझो में हुए इस पैरा गेम्स में भारत ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज के साथ कुल 111 पदक जीते। वहीं इस प्रतियोगिता में भारत 5वें स्थान पर रहा।